इंडियन प्रीमियर लीग भले ही दुनिया का सबसे महंगा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हो, लेकिन गुरुवार रात जगहंसाई हो गई आयोजकों की बदइंतजामी से क्रिकेट को शर्मसार होना पड़ा। दो बल्लेबाज सिर्फ इस वजह से पवेलियन लौट गए क्योंकि पावर कट होने के चलते उनके पास DRS लेने का विकल्प ही मौजूद नहीं था। इससे पहले टॉस में भी देरी हुई थी। टूर्नामेंट इतिहास की दो सबसे सफल लेकिन मौजूदा सीजन की सबसे फिसड्डी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच गुरुवार रात वर्चस्व की जंग जारी थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मैच में टॉस गंवाकर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग कर रही थी, लेकिन मुकाबले की दूसरी ही बॉल पर इनफॉर्म बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को अंपायर ने आउट दे दिया। डेनियल सैम्स की बॉल उनके पैड पर लगी लेग स्टंप से बाहर जा रही बॉल पर कॉनवे DRS लेना चाहते थे, लेकिन मैदान पर पावर कट न होने के चलते वह ऐसा नहीं कर सका और सिर झुकाकर डगआउट लौट गए। उथप्पा भी नहीं ले सके। DRS मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस वक्त कॉनवे को अंपायर ने LBW आउट दिया, उस वक्त स्टेडियम में लाइट चली गई थी, जिस कारण उनके पास DRS लेने का विकल्प नहीं था। पिछले तीन मुकाबलों में अर्धशतक जड़ने वाले डेवोन कॉनवे शून्य पर चलते बने। अगला ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए चौथी बॉल पर रॉबिन उथप्पा पूरी तरह चूक गए। जोरदार अपील पर अंपायर ने फिर अंगुली उठा दी। उथप्पा भी DRS लेना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने बताया कि DRS की समस्या अब तक नहीं सुलझ पाई है, ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे। धोनी पूरे बवाल पर धोनी ड्रेसिंग रूम से नजर बनाए हुए थे, TV पर अपने खिलाड़ियों के गिरते विकेट और फिर मैदान पर चल रहे ड्रामे को चुपचाप देख रहे थे। हालांकि दोनों कप्तानों को मैच शुरू होने से पहले ही इस समस्या से अवगत करा दिया गया था। टॉस में भी इसी वजह से देरी हुई थी। तब 3-3 अंपायर आकर धोनी और रोहित शर्मा से बातचीत कर रहे थे। हालांकि तीसरे ओवर में DRS ऑप्शन मौजूद था, लेकिन तब तक चेन्नई ने 5 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे।